शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Just one second. Rohit! I'm so happy to see you. Come, let me just introduce you to my friends. आज की पार्टी बहुत बहुत अच्छी है सर। आपका पहला ग्लास है, मेरा पांचवा है, लेकिन पहले जैसा लगता है। पियो। It's a pleasure to meet you. Yeah. Oh, hey! कैसा है तू? Yeah. Excuse me, sir. और कैसे मिजाज है आपके? Yes. Rohit. यार मैं तुमको उस जमाने से जानता हूँ जब तुम चड्डी पहन के घुमा करते। बचपन से जानते, जरा सुधार के बोलिए इस बात को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं हुआ था, चेकअप हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ था? मैं तो खड़ा हूँ सर, काफी देर से खड़े हैं, चलिए जरा घूम के आते हैं। उधर मजा नहीं, इधर मजा। बहुत मजा, आप चलिए तो सही है, ऐसे घूमते हुए चलिए चलिए, ऐसे कुछ कर रहा है, ऐसे घूमते रहिए ऐसे। शाबाश सर, उस दिन मेडिकल चेकअप हुआ तो उसमें क्या हुआ था? जी सर, थोड़ी से हजरत, इस खुशी के मौके पर मैं अपने दोस्त रोहित की खिदमत में चंद अशार पेश करने जा रहा हूँ, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। एक मिनट। अरे सर माफ करना अनवर भाई, अरे रोहित भाई, उस दिन तुम्हारा, अरे मेरी बात तो सुनो यार, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था वो, उसके बारे में मिसेस गायकवाड़ बताइए ना। हाँ, मैं बताती है। तुम्हारा ही बात का जवाब सिर्फ मी दे सकती है। देखो भाई, मेडिकल चेकअप हुआ था रोहित का, लेकिन बेहोश मी हो गई थी। इसका मेडिकल चेकअप होने से तुम्हारा बेहोश होने का क्या वास्ता? मैं बाद में बताएगी, है कि नहीं? चल मेडिकल चेकअप, अरे चल ना। बेहोश मिसेस गायकवाड़ हो गई। हाँ तो अर्ज किया है, वो देख देख हमें जीते हैं, वो देख देख हमें जीते हैं, हम देख देख उन्हें पीते हैं। ये मेरी इजार का नाड़ा नहीं है दोस्तों, मेरे फटे जूतों के फीते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बेटा एक बार फिर कहना, तुम मेरी बेटी से? आपके कानों ने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं वाकई सीमा से शादी करना चाहता हूँ। चलो, ये अमर है, हमारी सीमा से शादी करना चाहता है। बहुत बड़े घर से रिश्ता है हमारी बेटी के लिए, बहुत नेक और शरीफ लड़का, ये वही लड़का जिसने हमारी बेटी की जिंदगी बचाई थी। तुमने इस बारे में कभी सोचा है कि सीमा को कभी इस राज का पता चल गया कि तुम रोहित नहीं अमर हो तो? आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं उसको सारी हकीकत बता दूंगा। राज चाहे पति का हो या पत्नी का, अगर उसे दोनों के बीच खोल दिया जाए तो बड़कपन होता है, और छुपाया जाए तो धोखा होता है। बात सही कहा तुमने, इंसान भले अपनी जान दे दे मगर किसी को धोखा ना दे। आज मैं हमारी शादी की बात करने तुम्हारे डैडी के पास गया था। रोहित, हम तो बरसों पहले अपने दिलों को जोड़ चुके हैं, तुम मुझे अपनी पत्नी और मैं तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। सीमा, मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूँ। क्या बात है रोहित, कोई परेशानी है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं रोहित नहीं हूँ तो?
क्यों मजाक कर रहे हो? ये मजाक नहीं है सीमा। देखो हम दोनों शादी के कटूट बंधन में बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि यही बेहतर होगा कि मैं अपनी जिंदगी की हकीकत को तुम्हारे सामने एक शफाफ शीशे की तरह रख दूं। मैं अमर हूं, रोहित का हमशक्ल। रोहित की मौत ने तुम्हें जिंदा लाश बना दिया था सीमा। जब तुम्हारे पिताजी की नजर मुझ पर पड़ी तो तुम्हें नई जिंदगी देने के लिए उन्होंने मुझे रोहित बनने पर मजबूर कर दिया, और जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो मोहब्बत के लिए इतनी ईमानदारी, सच्चाई और नेकी देखकर मैं खुद तुमसे प्यार करने लगा, और आज बात यहां तक आ गई है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं सीमा के रोहित तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं भी रोहित से कम प्यार नहीं करता हूं तुमसे। हाँ। तुम मानो अमर, रोहित दीवार में सब कुछ जाने के बाद भी तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी। इंसान को हमेशा खुली किताब की तरह जीना चाहिए सीमा, इसीलिए आज तुम्हें अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूं। दरअसल बहुत दिनों से मैं अपने दिल, अपनी आत्मा पर एक बोझ लिए भटक रहा हूं। हाँ सीमा, बोझ। आज से कुछ दिनों पहले अखबारों में खबर आई थी कि मेरे चाचा ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मगर आज तक कोई इस राज को जान नहीं पाया कि वो आत्महत्या नहीं थी बल्कि कत्ल था, और वो कत्ल मेरे हाथों से हुआ था सीमा। क्या? तुम्हारे हाथों खून? हालात ही कुछ ऐसे थे सीमा, मेरी जगह अगर फरिश्ता भी होता तो वो भी यही करता। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी मौसी और मेरे चाचा रहते थे। मेरे अनाथ होने के बावजूद मेरी मौसी ने मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, और एक दिन शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने देखा। चाचा जी, मैं आपको क्या समझता था और आप क्या निकले? अरे हट! हम पे हाथ उठाया तूने? भूल गया तू इतना ज्यादा? तेरे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया हमने, हम पे हाथ उठाया तूने? अभी बता दूं तेरे को। होश में आइए और रिवॉल्वर फेंकिए उस तरफ। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं? चाचा जी, चाचा जी, रिवॉल्वर मुझे नीचे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ कर रहे हैं चाचा जी? ओ चाचा जी, ओ क्या हो गया? मैं तो रिवॉल्वर छीन रहा था, ये गोली कैसे चल गई? मैंने जानबूझ के खून तो किया नहीं मौसी, अब हम क्या करें मौसी? मौसी, हेलो पुलिस, पुलिस में सकते ना? मौसी पुलिस को फोन क्यों कर रही हो तुम? पुलिस को फोन करने दे मुझे, और ला ये रिवॉल्वर मुझे दे दे। मैं पुलिस से साफ साफ कह दूंगी कि तेरे चाचा जी मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, अपनी इज्जत बचाने में मुझसे खून हो गया, मैं कह दूंगी। नहीं नहीं मौसी, खून तो मैंने किया है, तुम इल्जाम अपने सर पे क्यों लोगी? और ये इल्जाम मैं तुम्हें अपने सर पे लेने भी नहीं दूंगा। तू अगर अपनी जिद पे अड़ा रहा तो मेरी जिद भी सुन ले, मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। मौसी, तुम अपने आप को गोली क्यों मारोगी? तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? समझ में नहीं आता क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे। अमर, तू किसी की भी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी कॉपी कर सकता है ना, तो फिर चाचा जी की हैंडराइटिंग में खत करके। मैं समझ गया, मैं समझ गया मौसी। ताकि किसी को भी तेरे ऊपर शक न हो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। जा, जाना जल्दी। और इस तरह हम लोगों ने मिलकर इस कत्ल को खुदकुशी का नाम दे दिया।
मेरे और मेरे मौसी के अलावा तीसरी सिर्फ तुम हो जिस पर ये राज खुला है। अब तुम ही बताओ सीमा, मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम क्या करती? सीमा चुप क्यों हो? तुम्हें नफरत हो गई मुझसे? सीमा, चंद्र बेदी स्पीकिंग। सर, मैं इंस्पेक्टर सीमा बोल रही हूँ। हमारा मिशन कामयाब हो गया है। अमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।